Assalamu alaikum, FSC second year. I am Saima Suhail and I will take your classes of botany. And two other members from the botany department are Anisa and Amna. They will also take your classes of botany portion of this biology book. First, we will start from the chapter number 20, which is chromosomes and DNA. And now we will see the introduction first. Chromosomes are the thread-like structures that appear inside the nucleus at the time of cell division. Iska matlab hai ki chromosomes jo hain wo bahut fine thread-like structures hain aur cell division ke time ye zyada visible ho jate hain, isliye us waqt appear hote hain aur nazar aate hain. जिस वक्त इंटरफेस चल रही होती है उस वक्त ये क्रोमाटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और उस वक्त इतने विजिबल नहीं होते बल्कि एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जो है उसकी तरह नजर आते हैं. लेकिन जिस टाइम सेल डिवीजन करीब आ जाती है और सेल डिवीजन स्टार्ट होती है उस वक्त ये कॉन्डेंस और शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और सेल डिवीजन जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस है इसके दौरान इनको स्टडी करना और देखना ज्यादा आसान होता है. सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो है इनको जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इन 1882 और उस वक्त वो माइटोटिक स्टेजेस जो हैं और सेल डिवीजन जो है वो स्टडी कर रहा था इन द सेलेमेंडर लार्वी और उस वक्त उसने ये क्रोमोसोम्स जो है वो ऑब्जर्व किए थे. Since their discovery, chromosome have been found in the cells of all eukaryotes. और इसके बाद पता चला कि जो यूकेरियोट्स हैं उनके तमाम सेल्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और हर यूकेरियोटिक सेल चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से लिया गया हो क्योंकि जितने भी यूकेरियोट्स हैं दे आर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स और उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद. इनका नंबर जो है वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी. एक स्पीशी में जो नंबर है वो सेम होगा उसके तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेकिन किसी और स्पीशी में नंबर डिफरेंट है. इसके लिए अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें से हम कि कितने कितने क्रोमोसोम नंबर उनमें पाए जाते हैं. सपोज पेनिसिलियम एक फंगस है एंड इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ टू क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन पेयर. व्हाइल सम फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर्स. ये एक मैक्सिमम नंबर है. 500 पेयर्स का मतलब है 1000 क्रोमोसोम्स होंगे. अ मॉस्किटो हैज 6, हनी बी 32, कॉर्न के अंदर 20 हैं, शुगर में 80 हैं, फ्रॉग में 26 हैं, माउस में 40 क्रोमोसोम्स हैं और ह्यूमन सेल्स जो हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे फिर आगे से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं. जीन्स आर एक्चुअली द शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. दे कैरी द इंफॉर्मेशन and this information control the all the functions of the body. The position of all these chromosomes is therefore essential for survival. और इंसान के और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जिंदा रहने के लिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका होना और इसके साथ साथ इनका फंक्शन करना बहुत जरूरी है. अगर कोई एक छोटा सा पार्ट क्रोमोसोम का मिसिंग हो जाए या उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है और इवन कोई ऐसी अगर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके पास और वो मौजूद नहीं है तो डेथ भी हो सकती है. इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इनके बगैर लाइफ जो है वो नामुमकिन है और इवन एक क्रोमोसोम का एक शॉर्ट पार्ट जो है वो भी
उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमने देखना है पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बना होता है, मतलब कि एक क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं और उन दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दोनों क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं और वो पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। आप देखें कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो तो सेंट्रोमियर है, बट अगर उसके अलावा कोई और कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जैसे ये आप क्रोमोसोम फिगर में देख रहे हैं तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमियर है, लेकिन ऊपर एक और कंस्ट्रिक्टेड एरिया नजर आ रहा है जहां से वो थोड़ा सा छोटा है या श्रिंक है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे उनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं तो उनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में, सपोज जैसे ह्यूमन के, ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स हैं 1 से लेके 46 तक, अगर आप सारे देखें तो उनके अंदर बहुत सारी आपको वेरिएशन नजर आएगी उनकी अपीयरेंस में। दे वेरी इन साइज, आपको साइजेस भी छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, बड़े से शुरू हुई है ऊपर फिगर में और नीचे आखिरी क्रोमोसोम जो है वो बहुत छोटा है। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होंगी, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफरेंट होगी, उनकी रिलेटिव लेंथ ऑफ द टू आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म, उन दोनों में भी वेरिएशन होगी, कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई बराबर है। एंड द पोजिशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन अलोंग द आर्म, ये एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हर क्रोमोसोम में है लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो किसी में है और किसी में नहीं है, और अगर जिन में है वो मुख्तलिफ जगह पे है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम एक टर्म के अंडर ले आते हैं विच इज अ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप इज द पर्टिकुलर एरे ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस। एरे इज इंफॉर्मेशन, होल इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोमल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल की जो है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप, और कैरियोटाइप से हमें उसकी तमाम इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है, जैसे उसका साइज, उसकी शेप, उसकी लेंथ और उसका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमें उसका पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 types। अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी जो फिगर आपके सामने है बुक की इस वक्त। सबसे पहले अगर सेंट्रोमियर जो है वो टॉप पे है, इफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज ऑन द टॉप एंड ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट एंड द अदर आर्म इज नॉट प्रेजेंट, देन इट इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इफ वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग देन द क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक, एंड इफ अनइक्वल आर्म्स आर प्रेजेंट, अनइक्वल का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बड़ी है एक छोटी है, देन सब मेटासेंट्रिक, एंड इफ बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ देन द क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक। और जिस वक्त ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, तो फिर एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर ब्रेक होके सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड्स, और फिर ये पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं पोल्स की तरफ, और स्पिंडल फाइबर के साथ सेंट्रोमियर अटैच होता है, और जिस वक्त ये अट्रैक्ट होते हैं पोल्स की तरफ तो उस वक्त इनकी शेप जो है वो जो बनती है वो इन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द आर्म्स होती है। अगर वो मेटासेंट्रिक है और दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की हैं तो वी शेप बनेगी, अगर अनइक्वल हैं आर्म्स छोटी बड़ी हैं तो एल शेप बनेगी, अगर एक आर्म बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ी है तो जे बनेगी, और अगर एक आर्म है ही नहीं एक ही है तो फिर आई शेप बनेगी। तो ये जो अल्फाबेट्स की शेप्स बनती हैं आई जे वी एल, ये तमाम इस तरह बनती हैं कि इनकी आर्म्स की लेंथ क्योंकि बराबर नहीं होती
और सिर्फ मेटासेंट्रिक में बराबर होती है, और फिर जिस वक्त ये मूव करके पोल्स की तरफ जाते हैं तो फिर उस वक्त इनकी ये वाली शेप्स बन जाती है. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द क्रोमोसोम. नाउ कम टूवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. कि एक क्रोमोसोम की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो दो चीजों से मिलकर बना है. एक डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. मोस्ट आर अबाउट 40% डीएनए होगा और 60% प्रोटीन होगी, और इसके साथ साथ आरएनए जो है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है. और आरएनए जो है वो इसलिए क्योंकि इसका काम ही, डीएनए का काम ही जो है जीन एक्सप्रेशन है, और जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, और मैसेंजर आरएनए जो है उसको बनाने के लिए इसके पास भी अपना भी कुछ आरएनए मौजूद होता है जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है. और अगर डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. डीएनए इज वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर. जैसे दो फाइबर्स जो हैं वो आपस में कॉइल अप हो गई हैं, इसी तरह दो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कॉइल अप हो जाते हैं. दैट एक्सटेंड्स अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम. कॉन्टिन्यूस होते हैं, नीचे से ऊपर तक बराबर चलते हैं, अनब्रोकन होते हैं और फाइन थ्रेड्स की तरह होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के डीएनए जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है. अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए. एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर आगे हम डिटेल में करेंगे. न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मोनोमेरिक यूनिट है, और वो जब ज्वाइन करते जाते हैं तो डीएनए का पॉलीमर बन जाता है. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वन क्रोमोसोम कंटेन वुड फिल. कि एक सिर्फ क्रोमोसोम, सपोज अगर वो ह्यूमन बींग्स हैं उनके 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से सिर्फ अगर एक क्रोमोसोम हम लेते हैं तो वो कितनी बुक्स फिल करेगा. 280 प्रिंटेड बुक्स. उसके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है अगर वो हम डिस्क्राइब करेंगे तो 280 प्रिंटेड बुक्स बनेंगी, जिसमें हर बुक के 1000 पेजेस होंगे. इफ ईच न्यूक्लियोटाइड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वर्ड. अगर हम कहें कि डीएनए में एक जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड हो और हर एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स हो, तो फिर ये 280 बुक्स बनेंगी, जिसके हर बुक के 1000 पेजेस होंगे और उसमें हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होंगे. और 500 वर्ड्स का मतलब है कि 500 न्यूक्लियोटाइड्स को वो रिप्रेजेंट करेंगे. फर्दर मोर इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन. ये वैसे तो वो कॉइल्ड फॉर्म में है, अगर हम उसको खोल के स्ट्रेट लाइन में कर लें इट वुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो वो 5 सेंटीमीटर जितना लंबा हो जाएगा. अब आप सोचें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 46 क्रोमोसोम्स जो है वो एक एक क्रोमोसोम जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो फिर आप सोचें कि वो तमाम क्रोमोसोम्स इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट हो गए. ये एक नेचर्स मार्वल, मतलब कि कुदरत का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इतनी स्मॉल स्पेस के अंदर इतने ढेर सारे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो उसके अंदर किस तरीके से फिट हुए हैं. एंड दैट्स ओनली 1 of 46 क्रोमोसोम. कि ये अभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो एक क्रोमोसोम के बारे में, जिसमें कि 280 प्रिंटेड बुक्स भी यूज हो गई हैं और हर बुक के अंदर 1000 पेजेस भी हैं. In the cell, however, DNA is coiled, allowing it to fit into a much smaller space than would otherwise be possible. तो ये एक सेल ही है या DNA ही है जिसके अंदर सेल ये है और उसका न्यूक्लियस ही है जिसके अंदर DNA जो है वो फिट हुआ हुआ है, और इतनी स्मॉल प्लेस में जो कि वैसे पॉसिबल ही नहीं है. How can this long DNA fiber
coil so tightly. If we gently disrupt a eukaryotic nucleus and examine the DNA with an electron microscope, हम अगर इस कॉइल क्यों क्यों कैसे इतना टाइटली वो बाउंड हो गया है और कॉइल हो गया है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें वो ऐसे लगेगा जैसे एक स्ट्रिंग है बीड्स का. स्ट्रिंग ऑफ बीड्स का मतलब है जैसे एक धागे के ऊपर मोती लगे हुए हैं और वो कॉइल्ड हुआ हुआ है. किस तरह होता है? Every 200 nucleotides, DNA duplex is coiled around a core of 8 histone proteins के हर 200 nucleotides के बाद एक 8 histone proteins का core होता है. 8 histone protein के molecules जो हैं वो join कर जाते हैं, एक core बनाते हैं जिसके ऊपर DNA जो है वो 2 turns लेता है. जब वो उसके ऊपर 2 turns ले लेता है तो उस complex को हम कहते हैं nucleosome. और ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनके पास होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन. और डीएनए जो है वो है न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के दरमियान में क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक न्यूक्लियोसोम जो है वो एक बहुत ज्यादा कंबाइंड किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें फिर वो जो दोनों चीजें हैं वो सेपरेट नहीं हो सकती और इसमें दोनों जो हैं वो आपस में ज्वाइन होके रहते हैं और एक न्यूक्लियोसोम का जो एक परमानेंट सा स्ट्रक्चर है वो बन जाता है. दे आर द स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ डीएनए. डीएनए में क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है वो होता है एसिटिक और लाइसिन और आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड्स हैं ये होते हैं बेसिक. ये इन प्रोटीन्स में ज्यादा हैं और इन दोनों की वजह से ये बाउंड हो जाते हैं. हिस्टोन कोर्स दस एक्ट एज मैग्नेटिक फॉर्म एंड प्रोमोट एंड गाइड द कॉइलिंग ऑफ डीएनए. तो हिस्टोन्स जो हैं उन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये कॉइलिंग ऑफ डीएनए के ऊपर होती है और जब 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एक कॉइल आता है तो वो बीट लगता है एक स्ट्रिंग के ऊपर. फर्दर कॉइलिंग अकर्स व्हेन स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप्स अप इनटू हायर ऑर्डर्स ऑर्डर कॉइल्स कॉल्ड सुपर कॉइल्स और उसके बाद फिर वो मजीद कॉइल करता जाता है जैसे और उनको हम जैसे अब यहाँ से देखिए नीचे से हम शुरू करें अगर तो डीएनए का डबल हेलिक्स है और ये देखें बॉल्स जो हैं ये छोटे छोटे दे आर द कोर्स ऑफ हिस्टोन्स. उसके ऊपर ये दो दो टर्न लेता जा रहा है लेकिन बाद में ये जो टर्न्स हुए थे और ये स्ट्रिंग बना था ये दोबारा सुपर कॉइल्स बनाता जा रहा है और इस तरह से सुपर कॉइल्स जो हैं वो फिर एक बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देंगे. उसके बाद फिर क्रोमेटिन फाइबर बन जाती है, फिर मजीद कॉइलिंग होती है और बहुत सारे सुपर कॉइल्स बनते जाते हैं और फिर कंडेंसेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. अब क्रोमोसोम जो है ना उसकी आपने कंडेंसेशन देखी कि कितने हाई लेवल की होती है डीएनए और प्रोटीन्स के साथ और इस कंडेंसेशन के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें दो रीजन्स जो हैं वो मिलते हैं. एक हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन वो कंडेंस्ड पोर्शंस हैं जो के हमेशा कंडेंस्ड ही रहते हैं. दे रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड सो दैट देयर डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड. इनका डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि ना ये खुलते हैं ना ओपन होते हैं और ना इनका मैसेंजर आरएनए बनता है. जबकि बाकी का जो क्रोमोसोम का पोर्शन है ये कुछ पोर्शंस होंगे एक क्रोमोसोम के ऊपर, बाकी का जो पोर्शन है वो कंडेंस होता है जस्ट सेल डिवीजन के टाइम पे और बाकी का टाइम जो होता है वो लूज होता है और वो एक्सप्रेस भी होता है. वो थिन लॉन्ग फिलामेंट की तरह होता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है. क्यों ये कंडेंस होता है सेल डिवीजन के टाइम पे? ताकि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आसान हो जाए. और लेकिन बाकी टाइम पे यूक्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन एन ओपन कॉन्फिगरेशन एंड इट्स जीन्स कैन बी expressed. The way chromatin is packaged when the cell is not dividing is not well understood. मतलब कि क्यों heterochromatin हर time पे packed रहता है जबकि cell divide भी नहीं करता, इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है लेकिन इसके रिसर्च जारी है.
ये क्यों एक्सप्रेस नहीं होता, क्यों ओपन नहीं होता, क्यों वो इस तरह रहता है, तो इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है हेट्रोक्रोमाटिन के ऊपर। बहरहाल अभी सिर्फ इतना आपके लिए याद करना जरूरी है, इतना जरूरी है कि दो पार्ट्स हैं, हेट्रोक्रोमाटिन रिमेन ऑलवेज कॉन्डेंस्ड इन ऑल द टाइम्स इन सेल डिवीजन और नॉट, बट यूक्रोमाटिन इज कॉन्डेंस्ड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंड नॉट इन द इंटरफेस। बाकी का जो टाइम है उसमें वो लूज होता है और वो एक्सप्रेस होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क दूंगी। आपने जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपने वो लिखनी होंगी, और उसके साथ साथ आपको मैं छोटे छोटे दो तीन शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन, और व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज कैरियोटाइप, ये आपको मैं शॉर्ट डेफिनेशंस दूंगी। ये आपको मैं जो क्वेश्चंस हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं सेंड करूंगी, और आपने मुझे उसके आंसर्स जो हैं उनको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज देना है। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।